बिजनौर में 7 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर 30 लाख की फिरौती मांगने का सनसनी खेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव के ही स्कूल में पढ़ाने वाले आरोपी टीचर सतीश की मिलीभगत से अपहरणकर्ताओं ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताते चलें कि मोहम्मद अहमद, सादिक और रशीद ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था उस स्कूल के ही टीचर सतीश को अपहरणकर्ताओं ने अपने साथ लिया और सतीश ने बच्चे की अपहरणकर्ताओं को पहचान कराई, जिसके बाद दोपहर में बच्चा अपने घर से महज चंद दूरी पर खेल रहा था उसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। एसपी अतुल शर्मा ने बताया कि अपहरणकर्ता बच्चे को देहरादून ले गए, जहां से फोन पर बच्चे के परिजनों से 30 लाख की फिरौती मांगी, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गईं। फिलहाल पुलिस ने सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया है और तीनों आरोपियों की धरपकड़ कर जेल भेज दिया है। सुबह गन्ने में स्प्रे करने के लिए घर से निकले तो बच्चा मेरे साथ बुग्गी पे बैठ गया, मैंने उतार दिया उसको। उतारने के बाद में हम चल पड़े, जंगल चले गए हम। वो बच्चा खेलता खेलता ऊपर सोया घर में, मतलब नीचे माला है ऊपर बना हुआ घर पे, तो वो नीचे बच्चा आ गया, पता नहीं। फिर उसके बाद में वो 10:30 बजे वहाँ से गायब हो गया। हम आए 12 बजे जंगल से, हमने देखा खेल रहा होगा इधर, मगर वो जब खाना खाने बैठे बच्चे लोग के बच्चा किधर है, तो फिर हमने ढूंढाई डाल दिया गाँव के आसपास में और जंगल में भी और आस पड़ोस के गाँव में भी ऐलान कराया और सब जगह वो बच्चा नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद में शाम को जब हम बोले कि हाँ भाई जंगल में ढूंढ लो, तो उसमें एक कॉल आया, आबिद नाम का लड़का है हमारे गांव का, करीमपुर मुबारक का, कि 30 लाख रुपए दे दो और बच्चा हमारे पास है, ढूंढने की कोई कोशिश ना करें। उसके बाद में फिर हमने सोचा कि भाई चलो इससे अच्छा है कि कानूनी कार्रवाई करें, कानून की मदद से हमारा बच्चा मिल गया। नाजमा खातून, बच्चे खेल रहे थे, हमारी लड़की भी लड़के भी सब, इनमें आपस में बच्चों में लड़ाई सी हुई थोड़ी सी, तो ये ऊपर से नीचे आ गया। मेरे साथ 3 बच्चे पानी पिलाने गए, तो वे बच्चे मेरे साथ रहे, गुस्सा आकर देखा तो बच्चा ये पता नहीं कहाँ है, हम मैं नीचे ही रही, तो इस बच्चे को देखा ऊपर भी नीचे भी, वो कहीं नहीं मिला खाना खाने का टाइम। तो फिर इसके बच्चे की ढूंढा भाली करी, 2 दफ़ा ऐलान भी करवाया और गांव में भी सारा मैं देखा, सबसे बूझा, किसी ने ना बताया। जब रात को 6 बजे के पास फोन आया, जब बताया ना 30 लाख रुपए लिया और बच्चे को ले जाओ, ढूंढो मत कोई। उसके बाद में पुलिस में रिपोर्ट कर दी। ये पहले क्लास में पढ़ता, ये 7 साल का बच्चा। मैं तो एक को जानती सतीश मास्टर न, और जिसने जिसे फोन आया था वो आबिद नाम के, सतीश पढ़ाते थे इनको हमारे स्कूल में, और जिन पर फोन आया तो वे आबिद नाम के हैं। फिर रात के 12 बजे फोन एहसान नाम एहसान पे आया। ये 5 तारीख की शाम को साबिर नाम का 7 साल का ये बेटा बच्चा था, जिसकी करीमपुर मुबारक गांव से थाना धाम रेटोर से इसकी अपहरण कर लिया गया था। इसके बारे में जब सूचना मिली तो पुलिस टीम को पूरी सरगर्मी के साथ SPRA साहब के नेतृत्व में टीम बनाई गई और उन्होंने सर्विलांस, थाना इंचार्ज और एसओजी की मदद से इस बच्चे को 36 घंटे के अंदर बरामद कराया, सकुशल बरामद हुआ। इसमें 3 लोगों की साजिश सामने आई, जिसमें मोहम्मद सादिक, राशिद और अहमद, इसके अलावा एक मास्टरमाइंड सतीश है चौथा व्यक्ति, ये 4 लोग इसमें नजर आए। सतीश जो है ये मेन इसका मास्टरमाइंड है, जिसने 10 दिन पहले से ही अपहरण की योजना बनाने चालू कर दी थी, रेकी वगैरह की थी और बच्चे की पहचान भी इसी ने कराई थी कि ये बच्चा इसमें इसको उठाना है। और उसके बाद इसको ले जा करके इन लोगों ने जब अपहरण किया तो पहले नेटौर में ही एक जगह पर इसको रखा मोहम्मद अहमद ने ले जा करके। मोहम्मद अहमद ने इस घटना में फर्जी सिम उपलब्ध कराए और उसके बाद फिर ये 4 लोग लेकर के, इसमें से 2 लोग इसको लेकर के हरिद्वार में और लक्सर में लेके चले गए और कल के दिन में ये इसको लेकर के बालावली के पास खादर में चले गए। इसके बाद इनको वहाँ पर सर्विलांस और अन्य चीज़ों की मदद से इसको पकड़ा गया, बरामद कराया गया। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, 36 घंटे के अंदर हमारा साबिर सही सलामत वापस लौट आया है। इसके लिए हम इसे 5,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा करते हैं। सतीश के बारे में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये उसको पढ़ाता था। इसमें शुरुआत में 30 लाख की रैंसम मांगी गई थी, बाद में 20 लाख की रैंसम मांगी गई थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मतलब ये जितने भी इसमें अपराधी थे बड़े ही शातिर टाइप के थे, जिन्होंने सारे सबूत सामने आने के बावजूद भी किसी भी प्रकार से उसको अपराध को कबूला नहीं, बल्कि सारी की सारी मेहनत हमें स्वयं करनी पड़ी। बहुत ही मतलब
कठोर टाइप के सारे अपराधी थे पहले, अभी तक इनके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन हमें इस बात की शंका है क्योंकि इसमें एक अभियुक्त जिसमें राशिद है उसके पास हमें 4 मोबाइल फ़ोन और 8 सिम प्राप्त हुए, और जितने भी घटना में सिम प्रयुक्त हुए हैं वो अलग अलग करके इसके सिम मोबाइल में चल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही सिम को कई लोगों ने अलग अलग मोबाइल में चलाया है। इसमें मेनली हमने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को उठाना चालू किया सर्वलांस के लिए, सर्वलांस में हमने इनके नंबर लगाए, CDR वगैरह निकाली, उसके बाद फिर एक व्यक्ति पर जीरो किया, और उसके बाद जब उसके घर की तलाशी ली तो उसके पास घर पे ये सिम का रैपर बरामद हो गया जिसमें सिम इशू होकर के आता है, और उसके बाद हमें ये समझ में आ गया कि घटना का मास्टरमाइंड या कम से कम एक घटना के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला ये राशिद जरूर है। फिर धीरे धीरे जब बातचीत की गई तो पूरी बात खुल गई और फिर बच्चे को बरामद कराया गया।